कौन समस्या ध्यान में है? समस्या तो ध्यान में बहुत है, तो नीतीश कुमार पूरे न करो अखिन, खाली बोलो अखिन। तो हमारा तो अनंत सिंह बामदेहन जे भी टूटी फूटी जे उनका है जे देवे करो अखिन, तो हम तो अनंत सिंह के वोट देवे, दोसर के तो देवे नहीं। नीतीश कुमार से हमारा कोई सुविधे नहीं है। सुलिस गेट लगे चाहिए महाने नदी में, तो सुलिस गेट लगो दोमनार पुल में, कौन सुविधा हमारा है? न पानी रुको है और न पानी निकलो है। किन मुद्दों को लेकर मतदान कीजिएगा? अपना फायदा के लिए करेंगे। छोटे सरकार हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, उनके लिए लड़ाई था मोकामा विधानसभा। क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा तो यही है कि हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, बहुत काम किए। 15 साल बिहार के इतिहास का सबसे बुरा दिन अभी चल रहा है, 15वां साल जो है। नीतीश कुमार बोलते भले हैं कि सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास है, लेकिन यह सारे वादे गलत हैं, सारे बात झूठे हैं। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में, वह निजी स्वार्थ हित के लिए जो सुख संसाधन मुहैया उपलब्ध कराते हैं, वे अपने लिए बिहार और बिहारियों के लिए कुछ नहीं किए। यहाँ का नौजवान बेकार है, बेरोजगार है, यहाँ का किसान भूखा मर रहा है, मोकामा टाल में जल जमाव की समस्या काफ़ी है, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सुशासन सुशासन का नारा लगाती है, लेकिन वास्तव में सबसे बिहार का सबसे बड़ा यह कुशासन है। देखिए, यह बुद्ध का बिहार है, यह जयप्रकाश का बिहार है, यह महावीर का बिहार है, यह नीतीश कुमार का बिहार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के दिमाग पर अहंकार की चर्बी चढ़ गई है, उसे बिहार और बिहारी के लिए कुछ नहीं करना है। अपने लिए, अपने चमचों के लिए, अपने चाटुकारों के लिए वह जो भी काम करते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किए। सड़क की समस्या है, जल की समस्या है, जो 7 निश्चय योजना है वह भ्रष्टाचार का पिटारा है जो अब खुल चुका है। और जब जब बिहार और बिहारी के साथ अत्याचार होगा, तब तब मोकामा विधायक छोटे सरकार बिहार और बिहारी के हित के लिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, उसके कुशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। इस बार भी उन्होंने नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है और इसकी सरकार को हटाने का संकल्प लिया है। इस बार जाग उठा मजदूर किसान और मुख्यमंत्री चाहिए नौजवान। हम तो नीतीश जी को खिलाफ में डालेंगे। ऐसे काहे हमारे गांव में पट्टल पैजामा टूटल चप्पल पहन करके आए थे, लगता था कि हवा पूरा पछियाएगा तो उड़ जाएगा। टम टम पर, रिक्शा पर, गली गली घुड़ाया गया। उस गांव में जरा सा मुंह दिखाने के लिए जितने के बात नहीं आए। अभी बाढ़ से लेकर के सेमनार तक ऐसा रोड है, साइकिल तक नहीं चलता है, मोटरसाइकिल भी सलाब को दो गो मर गया है, कोई देखने के लिए नहीं आया। यहाँ हॉस्पिटल था, वहाँ ना एक ठो डॉक्टर है, ना एक सड़ा है, ना एक ठो गति है। स्टेशन था, जंक्शन था, वो स्टेशन हो गया। यहाँ माल गोदाम था, वो चला गया कहाँ? नीतीश जी को घर। यहाँ टाल सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पाइप से लाए अपना पुरखनों को तारने के लिए गंगा जल ले जा रहा है। के मन में अनंत बाबू और लालटेन छाप रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो विकास किए हैं, नीतीश कुमार विनाश किए हैं बिहार का। 7 निश्चय योजना में 7 विनाश योजना चलाए हैं वो। पहला योजना चलाई कि मुख्यमंत्री बने थे, दारू के दुकान खोल दिए घरे घर, जो विनाश लीला पहुंचा दिए घर, एक पंचायत में 2 दुकान। दूसरे बार सरकार बनाए तो दारू बंद कर दिए, उसके बाद घर घर में दारू मिलना शुरू हो गया। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा नालंदा में फैक्ट्री दारू का है, सबसे पहले उसको नीतीश कुमार बंद कर दें। और जब हमारे छोटे सरकार मना किए तो उन्हीं को बंद कर दिया, दारू बंद नहीं किया, हमने सरकार को बंद कर दिया जिसको जनता मानते हैं। उनके यहाँ जनता जाता है तो भूखल नहीं आता है,
ललन सिंह नीतीश के डेरा पर जाता है तो भूखल कौआ के आता है, गरीब जनता राजा को पूछते हैं। ललन सिंह टोटल आतंकवादी कहते हैं, सबको मरवा दिए बाभन को, और वो कहते हैं मुनीम जी हैं उसी ने माँ के। उसके बाद स्कूल का शिक्षा गायब हो गया, स्कूल में मास्टर पढ़ाई नहीं होता, जनगणना में चल जाता है सब मास्टर। रोड का वही हाल है, 7 निश्चय योजना में 1 निश्चय योजना नहीं, सब विनाश निश्चय योजना है। मुद्दा तो विकास होगा, और यहाँ जो है नीतीश कुमार का कोई माने इस विधानसभा में कोई उनका विकास नहीं है। आनंद सिंह जो भी कुछ किए हैं सो आनंद सिंह किए हैं, सरकार नाम का तो यहाँ लगता है कोई माने व्यवस्था नहीं है। मुद्दा विकास का होगा, 15 साल में नीतीश जी का मोकामा विधानसभा में यही विकास है कि मोकामा का जितना भी फैक्ट्री बिटेनिया सूता मिल जितना भी यहाँ का कल पुर्जा था वो कुल अपने गांव ले चल गए और मोकामा को भट्टी में मिला दिए। जिस दिन से नीतीश जी बने हैं मोकामा को विनाश कर दिए। इस बार नीतीश को उखाड़ना है, जय अनंत तय अनंत। मुद्दा ध्यान में रखिएगा, मुद्दा किसान का मुद्दा रहेगा, जल जमाव वाला। सर नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल पहले करीब कृषि मंत्री थे तो यहाँ वादा किए थे कि इस क्षेत्र को पूरे टाल क्षेत्र को हम दो फसलें बना देंगे, लेकिन उनका 20 साल बीत गया, 15 साल सीएम भी रह चुके, कृषि मंत्री भी रह चुके, लेकिन आज तक पूरा टाल का दो फसलीकरण का जो बात किए थे आज तक उनके जेहन में नहीं आया। जो आदमी 20 साल में नहीं सोच सकते हैं इस टाल के बारे में, वो अगला बार क्या सोचेंगे ये तो समझ में नहीं आता है सर। का तो क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो सर हम लोग तो टाल में बसे हुए हैं, और हम लोगों का 2019 में भी पैदा नहीं हुआ, अब फिर पानी घिरा हुआ, हम लोग किसान क्या करेंगे? मोगामा टाल अबरहिया टाल पानी से घिरा हुआ है, फसल फिर मैंने हम लोगों का समय पर नहीं बुआई होगी, अन्य हम लोगों का मैंने फसल होगी। और क्या मुद्दा है? और तो मुद्दा जी मैंने सर आप विशेष हम कहा हम किसान हैं, किसान के बारे में बोलेंगे। ये अभी तक नीतीश जी हमारे लोग के अभी तक मैंने सिंचाई का अथी का कोई प्रबंध है अभी तक किया, पानी निकास का कोई अथी नहीं हुआ है। रखिएगा क्या देंगे सर? अनंत सिंह का देंगे वोट? नीतीश कुमार क्या बनाया? हम कुलमाऊ की बेटी ऐसे उघाड़े जा रहे हैं हेल कर पानी में, आज तक रोड नहीं दिया हमरे, पुल बनाया था ना पैजना टाल बनाया, हमरा क्या सुविधा दिया है? हाँ 20 साल से क्या सुविधा दिया हमको कहिए तो। जनता के चटा देता है, चाट को अपना कहता वोट दीजिए वोट दीजिए नीतीश कुमार को, हमको क्या हिया, साथे खाया एक थरिया में आया उनको नींद टूटा है। तो क्या बात ध्यान में रखिएगा? ध्यान में तो रखिएगा कि हमारा गांव में 4 मास्टर चाहिए, 1 मास्टर देते हैं नीतीश कुमार, कैसे बच्चा हम लोग का पढ़ेगा? रोड हमारा एक कुल ऐसी है पानी से दह कर कर करके कुल जाता है, गाड़ी कभी वजन रुकता है कभी वजन रुकता है, खार कर दिया है, कौन चीज़ सुविधा हम लोग का दिया है? विकास किए हैं क्या लगता है फिर रोडे बिजली पर वोटिंग होगा? तो रोड बिजली दिए दिए, और वह रोडे बिजली पर बारंबार वोट मांगते हैं या कुछ तो करते हैं नहीं, काम करते हैं कोई नाम होता किसी और का। जैसे कि मानिए अब नीतीश कुमार के तो हम बहुत दिन देख लिए हैं, क्या किए नहीं किए ये पूरे जनता देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई युवा मुख्यमंत्री आवे और बने और उनका काम हम देखें कि वो क्या करते हैं, अब उनका हम देखना चाहते हैं, युवा को देखना चाहते हैं। और सड़क जो हमारा है ये टूट गया है, इसका कोई देखने के लिए आता नहीं है, अगर बनाया है सड़क तो आनंद सिंह बनाए हैं, जो कि आने जाने की सुविधा हम लोग को नहीं था झनकी या घोसबरी, लेकिन अपना दम भरोसे बनाए हैं सड़क, और तब हम लोग के थोड़ा सा जाने का आने का सुविधा हुआ। अब मान के चलिए तिरमानी में देखिए वो पुल है, वगैरह पर भर डाना पानी है, इधर से हम लोग के आने जाने में बनता नहीं है, खड्डा खुडी रोड जहाँ तहाँ हो गया है, मैंने हम लोग को जाने आने में बनता नहीं है। हमारा काम विधायक जी करवाते हैं अनंत सिंह, उनके अनुशंसा पर काम होता है,
और लोग बोलता है कि हम करवाए हैं, हम ये काम लाए हैं, और करते हैं आनंद सिंह विधायक जी। तो कागज़ तो भी देखिए कि कागज़ में किसका नाम है, कौन अनुशंसा किए हैं, कौन लाए हैं काम। खाली ऐसे बोलने से हो जाता है कि हम किए हैं, जनता को खाली भ्रमण करते हैं कि मैंने हम किए हैं काम। यही सब मैंने कह करके वोट मैंने लीजिएगा तो जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता समझ गया कुल चीज़। आ जनता अभी चुनेगा, नया मुख्यमंत्री का चुनेगा, नीतीश कुमार के उपाय नहीं है।